अभी हम उपस्थित है पटना के इको पार्क में, और यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित है निषाद समाज की गौरव पुष्पा राज। क्या नाम है आपका? पुष्पा राज। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वह सभी लोग इको पार्क में इंजॉय करने के लिए आए हैं, और ये जो है वह सभी चीज़ बताएंगे कि यहाँ का दृश्य है वह कैसा लगा है इनको, और यहाँ पे आने से इनको क्या क्या चीज़ की जो है वह दिक्कतों की सामना करना पड़ा है, कैसे कैसे यह आए हैं, वह कितना ट्रेवल करके आए हैं, कहाँ से यह बिलोंग करते हैं, यह सभी चीज़ ये बताएंगे। तो आप अपना नाम बताइए और क्या दिक्कतें आई हैं यहाँ तक आने में वो आप बता सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा कुमारी हुआ जी, हम वैशाली जिला से आए हैं, चांदपुरा से। तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है? हाँ। जैसे पुल पर जाम हो गया वगैरह? हाँ, हाँ, जाम हुआ है, जाम तो होता है, उतना दूर से आए हैं तो जाम था पुल पे जाम पटना पुल पे। तो यहाँ पे आने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। तो ऐसे तो पटना के इको पार्क में आप आइएगा तो एंजॉय ही एंजॉय मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वह सभी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आकर के एक अच्छे पर्यावरण में आप लोग संतुलन बना के रह सकते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी इधर यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं वह सभी लोग जो हैं वह फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। वैसे ही हम लोग एक छोटे से ग्राम से आए हैं, महुआ की एक सिंघारा दक्षिणी पंचायत पड़ता है, वहाँ से हम लोग निकल के आए हुए हैं। और यहाँ जो है वह सभी लोग जो है वह पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, और सभी का जो एक ही मोटिव है वह घूमना है। और यहाँ पे जो दिख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा छोटा सा भतीजा है, और यहाँ इसका नाम पूछते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कालू। नाम क्या है इसको जो है ना? पता नहीं है, शर्मा रहा। और हमको नहीं लगता है कि अगर आप पटना के धरती पर आइएगा तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं अलग आए हुए हैं। पटना की धरती जो है वह यहाँ पे जितने भी हमारे महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी हमारे टूरिस्ट है, साइंटिस्ट है, सभी लोग ने यहाँ पे कदम अपना रखे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं उधर बच्चे लोग और फैमिली के साथ जो लोग हैं वह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और आगे ये बताइए कि आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के बारे में? शांति मिल रहा है। ऐसे तो गांव में आप लोगों को ऐसा मिलता ही होगा? मिलता है, लेकिन यहाँ जो है एक साथ में परिवार लोग के साथ में बैठने में जो मजा आता है वो वैसा गांव में नहीं आता है। वहाँ पे जो है कचरा ज्यादा रहता है और यहाँ पे जो है साफ सफाई ज्यादा रहता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उधर जो है वह किड्स का पार्क है, बच्चों लोग वहाँ पे खेलते हैं। थोड़ा सा जूम करके बता भी सकते हैं, इधर जो है वह जो है देख सकते हैं कि फैमिली के साथ सभी लोग बैठे हुए हैं, और इधर से बुलबुल ले लिए हैं। लाओ तो थोड़ा सा बबल्स इधर आओ। इधर जो है ये मेरी बुआ है, और बुआ के साथ हम मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा तू मोबाइल ले लो और मेरी दीदी को बताओ कि मेरी दीदी है। लो मोबाइल लाओ, ये फोन दो, पकड़ो। और सारे चीज़ आपको हम इको पार्क के खासियत को बताएंगे।